हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, गणपति बप्पा मोरिया। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों सनातन धर्म में गणपति बाबा की प्रथम पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जहां गणपति पूजा नहीं होती वहां कोई ना कोई संकट उपस्थित हो जाता है। मानव ही नहीं देवता भी अपनी पूजा में प्रथम स्थान गणेश जी को ही देते हैं। भक्तों भगवान के निर्देशानुसार जब देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत से वासुकी नाग की नेति बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और दानव घबरा गए, डूबते हुए उस पर्वत को कोई भी रोक ना सका। तब भगवान ने गणेश जी का पूजन कर मंथन के कार्य को प्रारंभ करने का आदेश दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो कच्छप का रूप धारण कर पर्वत के नीचे चले गए। तब जैसे ही देवताओं ने गणेश जी की पूजा संपन्न की, कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत ऊपर उठा लिया। भक्तों भगवान चाहते तो बिना गणेश पूजा के भी मंदराचल को ऊपर उठा देते, पर उन्हें गणेश जी की पूजा की मर्यादा की स्थापना जो करनी थी। इसलिए देव हो या मानव, सबके लिए गणेश जी की प्रथम उपासना अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं उन्हीं गणपति बप्पा की हजारों वर्ष पूर्व प्रकट हुई स्वयंभू दिव्य प्रतिमा श्री कोठ गणेश जी के दर्शन को। भक्तों श्री कोठ गणेश गणपतपुरा मंदिर गुजरात अहमदाबाद में धोलका तहसील के कोठ गांव में स्थित है। भक्तों ये मंदिर अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर विराजमान श्री सिद्धि विनायक गणपति जी श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए दूर दूर से हजारों लाखों भक्त यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन को आते हैं। मंदिर के भव्य सुंदर द्वार से श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व का प्राचीन मंदिर है। वो गणेश जी की जो मूर्त है ना, वो आदि अनादि का ये मूर्त है। आ स्वयंभू प्रकट हुई है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह की ओर जाने का रास्ता बना हुआ है, जिसमें श्रद्धालु श्रृंखलागत गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। गर्भगृह में भगवान गणपति लगभग 6 फीट ऊंची स्वयंभू प्रतिमा के रूप में पूर्व मुखी हो विराजमान है। इस प्रतिमा की विशेषता है गणपति जी की बाईं ओर घूमी हुई सूंड, जो किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में ही देखने को मिलती है। भगवान गणेश के इस मनमोहक स्वरूप के दर्शन के लिए एवं अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए देश भर से भक्त गण आते हैं और गणेश जी को मोदक एवं उनके प्रिय अन्य भोगों को अर्पित कर उनकी कृपा प्रसाद पाते हैं। भक्तों श्री कोठ गणेश मंदिर परिसर का शिल्प अति सुंदर और मनोहारी है। मंदिर के गर्भगृह एवं पूरे परिसर की दीवारों पर मनमोहक शिल्पकारी की गई है। मंदिर के सभा मंडप की दीवारों, शिखरों एवं स्तंभों पर बहुत ही आकर्षक एवं महीन नक्काशियों को उकेरा गया है। मंदिर में मुख्य देवता गणेश जी के अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ भी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं और यहां एक और हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। इस विशाल मंदिर परिसर में ही 15 कमरे दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। दूर के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त में मंदिर परिसर में ठहरने की व्यवस्था की गई है। भक्तों ये मंदिर परिसर इतना विशाल है कि हजारों लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। भक्तों इस प्राचीन मंदिर की प्रसिद्धि का विस्तार आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान गणेश भक्तों की कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। यहाँ लग्न विधि से और संतान बाबत से और विद्याभ्यास से है, कोई कोई मकान के लिए है, किसी के लिए वही मन्नत
उंदा साक्य बनाकर वो मन्नत रख लेना, रख ले को जब कार्य सिद्ध हो जावे यहाँ मन्नत करने के लिए आना पड़ता है। लोग यहाँ संतान प्राप्ति, विवाह संबंध, विद्या प्राप्ति, सरकारी नौकरी, अच्छा व्यापार, घर मकान आदि विभिन्न प्रकार की मन्नतों के साथ यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो फिर मंदिर आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं तथा अपनी योग्यता अनुसार मंदिर में सेवा भी करते हैं। आपको हड़प्पन संस्कृति का तो जाना होएगा, लोथल जो है, हाँ हमारा लोथल गांव है यहाँ, वो आज अस्तित्व में तो है नहीं पर हजारों वर्ष पूर्व वो अस्तित्व में था। यहाँ से 10 किलोमीटर छेटे जमीन में थी वो भी मूर्ति प्रागट्य हुई है। खुदान काम करने के लिए खेत मजदूर वाला खेत करते करते ही जमीन में से वो प्रागट हुई है। वही स्वयं जमणी सुन से सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर है। भक्तों, कहा जाता है कि मंदिर परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हजारों वर्ष पूर्व हाथेल नामक गांव हुआ करता था जो आज अस्तित्व में नहीं है। उस गांव की खुदाई के दौरान ही गणेश जी की ये लगभग 6 फीट ऊंची प्रतिमा मिली थी। भक्तों, विक्रम संवत 933 के आषाढ़ मास में चतुर्थी रविवार के दिन खुदाई के दौरान गणेश जी की ये प्रतिमा, जिसके माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद और पैरों में सोने की पायल थी, जब सामने आई तो आसपास के गांव वालों के बीच मूर्ति को लेने के लिए झगड़ा हो गया। तत्कालीन एक पुजारी जो सन्यासी थे, उनके कहने पर मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा गया और कहा गया कि गाड़ी में बैल जोत देंगे, बैलगाड़ी जिस भी गाँव में रुकेगी मूर्ति वहीं स्थापित कर दी जाएगी। पर भक्तों, उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी में बैल जोतने से पहले ही गाड़ी स्वयं ही चलने लगी और कोठ गांव में, जहां एक चरवाहे ने गोकल की शक्ति माता की स्थापना की थी, गाड़ी वहीं रुक गई और गणेश जी की प्रतिमा अपने आप गाड़ी से सरक कर नीचे आ गई। और इस तरह सबने सर्वसम्मति से उसी स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया और इस स्थान का नाम भी गणेश जी के नाम से गणेशपुरा रख दिया गया। भक्तों, ये वही स्थान है जहां ये प्राचीन गणेश मंदिर बना हुआ है। भक्तों की आस्था है कि इस शक्ति पूरित मंदिर और देव स्थान में भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी को मंदिर में भगवान गणपति के दर्शनों के लिए लाखों में श्रद्धालु जन आते हैं। संकष्टी चतुर्थी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तों को उस दिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निशुल्क भोजन दिया जाता है। सभी भक्तों को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक चाय भी निःशुल्क बांटी जाती है। संकष्टी के दिन बप्पा को 6000 किलो बूंदी के लड्डू और 1500 किलो चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जो बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। भक्तों, भगवान गणेश के इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती प्रातः 5:30 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है तथा आप भगवान के दर्शनों का लाभ प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ले सकते हैं। धोलका तहसील अहमदाबाद गुजरात में स्थित श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो अरणेज में मां बूट भवानी के दर्शन अवश्य करें। अहमदाबाद में स्थित कुछ प्रमुख मंदिर जैसे स्वामी नारायण मंदिर, श्री जगन्नाथ जी मंदिर, स्कॉन मंदिर, श्री भद्रकाली माता मंदिर, श्री दुधाधारी महादेव इत्यादि के दर्शन कर अपनी यात्रा को और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं
तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है और हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो अहमदाबाद देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अरणेज रेलवे स्टेशन के लिए भी रेलगाड़ी मिल जाती है। भक्तों, अरणेज से मंदिर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। अरणेज से मंदिर के लिए बस या टैक्सी कर सकते हैं। और अगर आप श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो अहमदाबाद शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप कोट गांव धोलका तहसील अहमदाबाद गुजरात में स्थित श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और गणपति बप्पा की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री गणेश, इति शुभम।